दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ईडी पर आरोप लगाया कि जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने और दिखावे के लिए हमारे नेताओं के घर पर 16-16 घंटे छापेमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया है कि ईडी ने कल 16 घंटे की रेड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और सांसद के घर पर कोई तलाशी नहीं ली। उन्होंने कहा कि आज ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार की फेवरेट एजेंसी, उनका फेवरेट हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों के घर पे छापा मारा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर पे छापा मारा। ये छापा 16 घंटे चला। ईडी ने आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और हमारे राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी के घर पे छापा मारा। ये छापा 18 घंटे चला। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूं इन छापों के बारे में, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 16-16 घंटे जो कल छापे चले, इन छापों में जो ईडी के अफसर आए, उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर में, ना एनडी गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी, कोई भी तलाशी नहीं ली, किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा, कोई कागज नहीं ढूंढे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी, ना मुख्यमंत्री के पीएस से पूछताछ करी, ना एनडी गुप्ता जी से पूछताछ करी, ना उन्होंने कोई भी कागजी कार्रवाई करके बताया कि वो किस केस की जांच के लिए आए हैं।